गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग। तो सुबह के 10:44 हो रहे हैं और अभी बाहर जाना है, पापा के साथ जा रहे हैं। और सुबह को मैं टाइप क्लास भी नहीं गया, वैसे आज शॉर्ट हैंड भी नहीं था। मैंने बोला ना, वो कोविड के वजह से एक दो दिन छोड़ के ही क्लास जा रहे हैं, तो आज मेरा क्लास नहीं था, लेकिन टाइपिंग का था, वो तो नहीं गए। सुबह को बारिश हो रहा था इसलिए नहीं गए। कल शाम से ही हवा भरा है, लाइक रात से बारिश होना स्टार्ट हो गया था। तो अभी चलते हैं पापा के साथ और जो भी होगा मैं दिखाऊंगा। मैंने लास्ट ब्लॉग में भी बोला था कि शाम को ठंडा हवा बह रहा है, तो उसके बाद से ही बारिश स्टार्ट हो गया था। तो अभी चलते हैं। ये देखो, बारिश हुआ था, सब भीजा हुआ है और रात को हवा भी बह रहा था, तो सब इधर उधर हो चुका है, पानी अभी भी जमा हुआ है। चलते हैं। मास्क ज़रूरी है क्योंकि केसेस भी बहुत बढ़ रहे हैं, तो ध्यान भी रखना ज़रूरी है, तो मास्क तो लेना ही होगा। और वो पीछे मम्मी अभी भी खड़ी है, पापा चल रहे हैं साथ हैं, पापा चलते हैं। वैसे रात को बारिश हुआ है तो पानी अभी भी जमा हुआ है। हमारे गली में कुछ ज़्यादा ही पानी जमता है, पूरा कीचड़ हो रखा है। वैसे 11 बजे से क्लास भी स्टार्ट होने वाला है, तो फ़ोन भी ले आए, रास्ता में ही क्लास ज्वाइन कर लेंगे। वैसे अभी इंग्लिश क्लास है, इंग्लिश क्लास में वैसे कुछ पढ़ाता नहीं है, लाइक पीडीएफ खोल देता है या वीडियो चला देता है, तो ज्वाइन कर लेंगे। वैसे कोई वैसे ध्यान नहीं देता इंग्लिश में, इंग्लिश में लाइक मैंने तो इंग्लिश मीडियम से पढ़ा, तो अभी जो इंग्लिश पढ़ा रहे वो थोड़ा बहुत मेरे लिए ईजी है, तो उतना ध्यान नहीं देता है क्लास में। चलो चलते हैं। वैसे 11 बजने वाले हैं, 10 मिनट और है, देखते हैं क्या होता है। मैं भी पानी जम गया। इस आम गाछ में भी देखो कितना सारा आम हुआ है, पता नहीं कहाँ जा रहे हैं। पापा के साथ चल रही, मेरा ब्लॉग भी बन जाएगा। हमेशा इस तरफ से जाते हैं, आज इस तरफ से चलते हैं। वैसे दोनों रास्ते सेम जगह ही मिलता है, वहाँ पे सामने पुल पे ही मिलता है। दिखाता हूँ रास्ता का तो अवस्था खराब है, सब जगह पानी जम चुका है, थोड़ा बहुत सूखा है, लेकिन जहाँ गड्ढे हैं वहाँ तो पानी जमते रहेगा ना। रमजान का महीना भी चल रहा है तो भीड़ है। ये देखो ये रास्ता इधर से निकलता है, रास्ते में जाम लग चुका है। ये देखो सब ऑयल टैंकर से, पता नहीं कितना देर और लगेगा। वैसे ये सामने बी गार्ड है ना पूरा, बैंक का काम खत्म और रास्ता में तो बहुत आवाज़ आ रहा होगा ना। बाल को देखे, मेरे बाल खराब हो रहे हैं, मतलब अकाउंट में पैसा जमा करने गए थे पापा, मेरे अकाउंट में तो पैसा वैसे है नहीं, तो अकाउंट बंद हो जाता है, तो मेरे अकाउंट में 2000 रुपीज़ डाल दिए। भाई के अकाउंट में भी उतना ही शायद 500 या 1000 रुपीज़ डाल दिए, नहीं तो दोनों का अकाउंट बंद हो जाता, पैसा था ही नहीं एकदम। तो अभी तो घर जा रहे फिलहाल, और क्लास तब से ज्वाइन करने का कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कट हाँ अब ज्वाइन हो गया। वैसे तब से हम ट्राई कर रहे थे, बैंक के अंदर नेटवर्क ही नहीं है, कैसे भी ज्वाइन किए हैं। अब देखो वापस चलते हैं घर जल्दी से, और बहुत सारा काम है, नेटवर्क को कंटिन्यू करना है, फिर क्या, हाँ कॉलेज का भी बहुत सारा पढ़ाई पड़ा हुआ है और बहुत सारा असाइनमेंट भी पड़ा हुआ है। इतना नॉइज़ है ना, बोल नहीं पा रहे हैं यहाँ पे। लास्ट वीक बहुत सारा असाइनमेंट मिला था, तो उसको भी कंप्लीट करना है, एक दिन में तो होगा नहीं, लेकिन स्टार्ट तो करना होगा। वैसे यहाँ पे एक नया सुपरमार्केट खुला है, इसमें कभी आए नहीं है, खुलेगा अभी तो कोविड है इसलिए बंद करके रखा है, आएंगे कभी इसमें। फिलहाल चलते हैं घर, फिलहाल पैदल पैदल ही जा रहे हैं, सामने है मतलब बेसी दूर नहीं है। यहाँ से बस स्टैंड आ जाएगा, बस स्टैंड से
दस मिनट पैदल घर चले जाएंगे। वैसे यहाँ पेट्रोल पंप है, कभी बाइक खरीदेंगे, पापा को बोल रहे एक तो बाइक खरीदने। पापा यहाँ से कलकत्ता जाते हैं, से हम लोग का घर में जो साइकिल है ना बड़ा वाला, मैंने जो दिखाया था उस पर पापा जाते हैं डेली, मतलब आजकल तो डेली नहीं है, कोविड के वजह से बंद है, मतलब अल्टरनेटिव डेज पर जाते हैं, लेकिन पापा डेली 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 जाते थे साइकिल से यहाँ से सीधा कलकत्ता, तो उसको तो दिक्कत हो गई, डेली साइकिल उतना किलोमीटर चलाना आसान नहीं है ना। पापा को बोल रहे हैं एक तो बाइक ले लीजिए, सुनते नहीं हैं। अब देखो एक बाइक तो ज़रूरी है, कहना है कुछ बोल ही नहीं पा रहे, रास्ता में ही इतना आवाज़ है, क्या करेंगे। चलो फिलहाल चलते हैं घर, उसके बाद मिलेंगे। ये रहा पेट्रोल पंप और इसका ठीक अपोजिट में बी गार्डन, इसे जो कोलकाता या हावड़ा से होंगे उनको पता होगा, बी गार्डन में यहाँ बेनियन ट्री बहुत फेमस है, बहुत बड़ा बेनियन ट्री है, मतलब मैं बचपन से यहाँ आ रहा हूँ, अभी तक तो बहुत बड़ा हो चुका है, मतलब छोटा में, मतलब क्लास, पापा तो हमको छोटा से लेकर आ रहे हैं, उतना बचपन का तो उतना कुछ याद नहीं है, लेकिन क्लास 7-8 का याद है, क्लास 7 या 8 में आए थे उस समय जो बेनियन ट्री था जितना बड़ा था, उसके बाद 10 या 12 में फिर गए थे, उसका डबल साइज़ हो चुका है बेनियन ट्री का। आप लोग कभी आओ तो देखना, या नेट पे भी देख सकते हो ना, मतलब ऑनलाइन तो देख ही सकते हो, देख लेना। बहुत बड़ा हो चुका है, वैसे लाइव देखने में तो कुछ अलग ही मज़ा है, कभी आके देखना। फिलहाल तो जाम लग चुका है रास्ता में, यहाँ का डेली का हो चुका है, मतलब जाम डेली ही लगता है, यहाँ का हालत देख के लगता है कि कोरोना बोल के कुछ है। देख रहे हो भीड़ रास्ते में, भीड़ देखो, सब तरफ भीड़ ही भीड़ है। मेरे पीछे कार था तो हॉर्न मार रहा था, अरे भाई जाना है तो इंडिकेटर दिखाओ तब जाओ, इंडिकेटर देता नहीं है, सीधा हॉर्न मारना शुरू कर दो। बहुत सारा दुकान बंद है, मेन मार्केट है ना ये, मैंने पिछले ब्लॉग में भी दिखाया, ये मेन मार्केट है, पूरा मार्केट ही बंद है, एक दो दुकान खुला हुआ है, बाकी सब बंद है, बस एक दो दुकान। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे सब्जी बेचता था, आज बंद है। मुझे ये लीची दिया टेस्ट करने के लिए कि मीठा है कि खट्टा, देखते हैं टेस्ट करके, ये अंकल दिए बोले टेस्ट करके बताओ भाई कैसा है। वैसे मीठा है लीची, पापा बोले कि टेस्ट करेगा फिर लेंगे, तो मीठा है लेते हैं। ये पता नहीं क्या हो रहा है, बार बार क्लास से निकल जा रहे हैं, नेटवर्क शायद प्रॉब्लम हो रहा है, दिख नहीं रहा होगा ना, वो लाइट है ऊपर बहुत सारा, लेकिन बार बार क्लास से निकल जा रहा है, पता नहीं कैसे। इंग्लिश क्लास चल रहा है, दिख रहा है कि नहीं पता नहीं, लेकिन क्लास चल रहा है। ये अंकल बोले टेस्ट करो, तो टेस्ट किया, अच्छा लगा तो पापा लिए हैं, चलते हैं। वैसे आम भी है देखो, कल जो वर्षा हुआ है, अब आम जो बिकेगा वो मीठा होगा ना, लेकिन ये शायद मीठा नहीं होगा आम। देखो पूरा बाजार ही बंद है, यहाँ पे लाइन से मछली वाला सब बैठता था। एक दो सिर्फ दुकान खुला है, यहाँ पे एक है, ये पूरा लाइन से दुकान ही है मछली का, मछली सब्जी चिकन मटन जो चाहिए यहाँ मिलता है, लेकिन आज तो पूरा ही बंद है। देखो कौन है वो, देखो एक काला कौवा है, ये पूरा ब्लैक है बाद में, वो नीचे नीचे नीचे, वो देखो ऐसे नॉर्मल कौवा तो देखने को मिलता है, लेकिन ऐसे ब्लैक कौवा नहीं मिलता है पूरा। पापा बता रहे थे कि मतलब पूरा जो ब्लैक कौवा सब होता है ना, पूरा ब्लैक ना, ऐसे तो ब्लैक ही कौवा होता है, लेकिन ग्रे होता है ना, ब्लैक ग्रे नॉर्मल कौवा जो देखने को मिलता है, लेकिन पूरा ब्लैक जो अभी दिखा, वैसे पापा बता रहे थे कि उसका प्रजाति ही ख़त्म होते जा रहा है, बहुत मतलब एकदम एक्सटिंक्ट होते जा रहा है, तो एक देखने को मिल जाता है कभी कभी। वैसे गाँव में भी एक है अभी, वैसे लास्ट टाइम जब गए थे तब देखे थे, मतलब हर बार ही जाते हैं तो देखते हैं, वैसे 2 साल हो चुका है गांव ने गए, अब पता नहीं वो कौवा भी है कि नहीं, तो जाएंगे इस बार तो दिखा देंगे। ये रास्ता तो पता ही होगा ना, वहाँ से सीधा चले गए थे,
जिनको नहीं पता लाइक जिन्होंने पिछला ब्लॉग्स नहीं देखा उनको नहीं पता होगा, यहाँ पे ये देखो ये पीपल का पेड़ है, यहीं पे मौसी ने पूजा की थी। ये पेड़ देखने में अच्छा लगता है, ये रेड रेड फ्लावर वाला लाइक बहुत अच्छा लगता है ये देखने में। वो देखो वो स्ट्रक्चर भी बड़ा यूनिक है, और नीचे मंदिर है, वो मंदिर है उसके ऊपर वो बनाया गया है, मंदिर के ऊपर अर्थ बनाया है, उनके ऊपर कौन सा भगवान है पता नहीं हमको। ये देखो फिर से क्लास से निकल चुके हैं, पता नहीं कैसे निकल जाते हैं, ऐसे बार बार रिजॉइन कर रहे हैं लेकिन पता नहीं कैसे कॉल एंड हो जाता है, फिर से ज्वाइन हो गए। यहाँ पे कुछ फंक्शन था, पता नहीं फंक्शन था या फंक्शन है हमको तो पता नहीं, इधर रहते नहीं, आते भी नहीं है जल्दी, अभी तो कोविड की वजह से घर में ही बंद रहते हैं, फिलहाल चलते हैं घर। घर तो आ गए, वैसे ये देखो पापा कुछ लेने जा रहे उधर, ये देखो ना यहाँ से रास्ता डाउन है, यहाँ अगर ज़ोर से बारिश होता है ना ये पूरा पानी भर जाता है, मैंने एक ब्लॉग में दिखाया था जिसमें टाइटल लिए थे बाढ़ आ गया, तो उस दिन तो थोड़ा सा था, वैसे तो पूरा ये जो है ना ये पूरा भरा रहता है, इतना पानी जमता है यहाँ पे, ये सब डूब जाता है। पता नहीं फिर से क्लास, शायद क्लास मेरा एंड हो गया होगा, शाम के 5 बज चुके हैं, आज देख के नहीं लग रहा 5 बज रहा है, और पीछे जो आवाज़ आ रहा है ना इन लोगों का काम चल रहा है, वैसे 5:20 से मेरा फिर क्लास चालू होने वाला है, चले जाएंगे क्लास करने, ऑनलाइन ही क्लास होगी, घर में चले जाएंगे। वैसे आसमान तो साफ है आज, देखो सुबह फिर से आ गया या पतंग उड़ाने, आज फिर मास्क लगा रखा है, ये तो खुश इसका पतंग। अभी शॉर्ट हैंड का होमवर्क करना होगा क्योंकि कल फिर जाना है शॉर्ट हैंड क्लास में, कल क्लास है तो अभी कर लेते जल्दी से, 20 मिनट है, वैसे 5 बजने वाला है। इस ब्लॉग को मैं यहीं एंड करता हूँ, वैसे आज भी मैंने ड्राइंग नहीं किया, मैं जब भी ड्राइंग करने बैठता हूँ तो किसी का फ़ोन आ ही जाता है, आज 2 दिन हो गया मैंने ड्राइंग नहीं किया, तो इस ब्लॉग को मैं यहीं एंड करता हूँ। वैसे भी आज का ब्लॉग कुछ ज़्यादा ही लंबा होता जा रहा है, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर ना हो तो सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।